डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला राइट आर नोन एज आर कॉल्ड एज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. And the phenomenon is called as isomerism. Okay. Only two words are important in this definition that are same molecular formula but different structural formula. Right, isomerism is what? The organic compound having same molecular formula but different structural formula. Molecular formula same hona chahiye but different form structural formula different hona chahiye. Example dekho, example dekhne ke baad jyada understand ho jayega. C4H10, right? Ab ye kya hai? C4H10, this is the molecular formula, but we can draw two types of structure of C4H10. ये जो molecular formula है C4H10, इसके दो तरह के structure हम draw कर सकते हैं. देखो आप, this is the butane. ठीक है रंगे. दो structure कौन से देखो. CH3, CH2, CH2, CH3. ओके, CH3, CH2, CH2, CH3. ये एक हो गया और CH3, CH3, CH3. ये एक हो गया. अब देखो कार्बन काउंट करो, 1, 2, 3, 4, फोर कार्बन आइटम्स, फोर कार्बन आइटम्स. 3 + 2 = 5, 5 + 2 = 7, 7 + 3 = 10, 10 हाइड्रोजन आइटम. C4H10, ये हो गए C4H10. अब इसमें देखो 1, 2, 3, 4, फोर कार्बन आइटम, 3 + 3 + 3 = 9 + 1, 10 हाइड्रोजन आइटम. सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. राइट, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. अब देखो इसमें ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10, उसके ये दो स्ट्रक्चर, दीज टू स्ट्रक्चर्स आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. इसको क्या बोलने का, आइसोमर्स. और ये जो फेनोमेनन है इसको आइसोमेरिज्म. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड C5H10. अब देखो C5H10 के तीन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं. Ten. हो चुका है. ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. कब हुआ मुझे तो नहीं लगता, जस्ट वन मिनट. हाँ, ओके, तो ठीक है. अब ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. ओके ओके ओके, विद सेम एग्जांपल. ठीक है ठीक है. अब ठीक है, इतना एक देता फिर ये फिनिश हो जाता, बाद में नेक्स्ट पॉइंट लेता फिर. ठीक है, अब देखो जिसका हो गया उसको उसका रिवीजन होगा, जिसका नहीं हुआ उसका उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. C5H10 के तीन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं हम. देखो CH3, CH2,
CH2 CH2 CH3, ये एक हो गया स्ट्रक्चर। दूसरा देखो CH3 CH3 CH2 CH3, और तीसरा ये यहाँ ड्रॉ करता हूँ। अब देखो, नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एन पेंटेन, इसका है आइसो पेंटेन और इसका है नियो पेंटेन। सर हेलो हेलो, बोलो बोलो सर, बोलो सर। H12 आएगा ना सर? यस यस, H12 नॉट H10। दिस इज अल्केन, दैट्स व्हाई 12। ओके, 1 2 3 4 5, और ये 12 कार्बोनेट, राइट। ठीक है, आप देखो इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग। ओके, एन पेंटेन, आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन, तो ये हो गए आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया क्लियर फिर आपका? यस सर, सबका। ओके ओके, नेक्स्ट देखो, न्यू कंसेप्ट है और वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कन्फर्मेशंस इन अल्केन्स। अब ये क्या करो, ये आपके पास रहने दो, मैं आपको सेंड करता ये कंसेप्ट। अगर पहले हमने लिया है तो डोंट राइट ट्वाइस, ओके। हो गया, नेक्स्ट अब देखो, नेक्स्ट है कन्फर्मेशन इन अल्केन। कन्फर्मेशन इन अल्केन क्या है देखो और अंडरस्टैंड कर लो। द रिजल्टिंग अरेंजमेंट्स ऑफ द एटम्स in space about the carbon-carbon single bond, carbon-carbon single bond are called conformations, अब देखो, this is the imaginary concept, ये जो है conformations in alkene, ये imaginary concept है, तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा, जिसका इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग उसको ये कंसेप्ट समझ में आएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, जस्ट सी द डेफिनेशंस और बाद में एक्सप्लेन करता
दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सॉहर्स फॉर्मूला. अब देखो दो तरह के कंफर्मेशन है. दे आर अल्केन्स, अल्केन्स आ रहा है. अल्केन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय सॉहर्स फॉर्मूला एंड सॉहर्स फॉर्मूला. ये न्यू वर्ड है हमारे लिए, सॉहर्स फॉर्मूला एंड न्यूमन प्रोजेक्शन, न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला. ओके, as shown below, as shown below. अब देखो ये जो अल्केन्स है, अल्केन्स का जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रोटेट करने का 360 में वो कन्फर्मेशन हो जाते. आप देखो कैसा करने का, तो सॉहर्स में सॉहर्स और सॉहर्स और प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऐसे दो टाइप है. पहले तो ये समझ समझ लो. आप देखो सॉहर्स, ठीक है, ये सॉहर्स क्यों बोलते हैं ये भी देखेंगे. सॉहर्स में दो टाइप है, सॉहर्स में दो टाइप है, सॉहर्स और प्रोजेक्शन. ये कन्फर्मेशन ऑफ अल्केन और कन्फर्मेशन इन अल्केन, अल्केन के कन्फर्मेशन के सॉहर्स एंड प्रोजेक्शन फॉर्म, न्यूमन प्रोजेक्शन, ये दो टाइप है. और सॉहर्स में दो और प्रोजेक्शन में दो. फिर अब देखो कैसे है, तो जो इथेन का, इथेन का देखेंगे, जो इथेन रहता है वो ऐसा दिखता हमको. अब ये मैं आपको एक्सप्लेन करता, इस कन्फर्मेशन को बोलते स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, स्टैगर्ड. ये अल्केन है, ये कार्बन, ये एक कार्बन, कार्बन को ये तीन हाइड्रोजन और इस कार्बन को ये तीन हाइड्रोजन, इधर से व्यू करने का, इधर से देखने के, ठीक है. अब और अब इक्लिप्स का देखो, दूसरा रहता है इक्लिप्स. ये दोनों में फर्क क्या है वो बताता मैं आपको. एक मिनट है, अब देखो और इस कन्फर्मेशन को बोलते हैं इक्लिप्स कन्फर्मेशन. पहले तो आप ये जो वर्ड है वो एक बार याद करो, सॉहर्स फॉर्मूला एंड न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला. पहले कन्फर्मेशन में ये दो है, सॉहर्स और न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला. पहले हम सॉहर्स, सॉहर्स को देखेंगे. सॉहर्स में दो कन्फर्मेशन है, स्टैगर्ड और इक्लिप्स. बोले तो जो अल्केन्स रहते वो दिखते कैसे, या ऐसे दिखते स्टैगर्ड में और इक्लिप्स में. अब अच्छी तरह से ध्यान दो मेरी तरफ. पहले अभी ये समझ लो, ये इसमें क्या है. आप देखो अब ये एक कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है. इधर से हम देखेंगे तो हमको हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन यह हाइड्रोजन यह हाइड्रोजन, ऐसा दिखेगा. हाइड्रोजन 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 इस कार्बन का अटैच है और उसको एग्जैक्ट पीछे ये कार्बन दिखेगा, उसको एक दो तीन ये हाइड्रोजन अटैच है. मगर ये कैसे है आप देखो, हाँ पकड़ो रहा ऐसा ऐसा देखो, देखो हाँ एकदम पूरा अंडरस्टैंड होता है. जल्दी एक मिनट हाँ चांगला एक्सप्लेन पेन के बोल रहे हैं. अब ये
हवा में एक्सप्लेन करके बताना पड़ता है। हाँ हाँ दिख रहा है अभी, हाँ सबको दिख रहा है अभी। अब देखो यस यस, अब ये जो पहला 100 हर्स का जो देखा हमने, दो कार्बन है उसमें, अब ये एक कार्बन ऐसा कंसीडर करो और ये दूसरा कार्बन, एक और दो कार्बन, इस कार्बन को तीन हाइड्रोजन अटैच है, इस कार्बन को तीन हाइड्रोजन अटैच है, मगर जो हाइड्रोजन अटैच है वो देखो कैसे है, तो ये कार्बन एक हाइड्रोजन एग्जैक्ट नीचे अटैच है, देखो ये कार्बन है उसको एक हाइड्रोजन ऐसा नीचे अटैच है, और जो दो है वो एक इधर और एक इधर, तीन हो गए, देखो एक नीचे एक इस साइड को और एक इस साइड को, ऐसा एक इस साइड को अटैच है हाइड्रोजन और एक इस साइड को, ये हो गए तीन, और पिछला जो कार्बन है उसको एग्जैक्ट एक हाइड्रोजन ऐसा नीचे अटैच है, और एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, अगर हमने सामने से देखा ये दो हाइड्रोजन ऐसे दिखेंगे तो एक ही दिखता हमको, ये हो गया स्टैगर्ड में, ये देखो ऐसा है, इधर एक इधर एक इधर एक और इसको इधर एक, ये हो गए एग्जैक्ट, ये तीन हाइड्रोजन के पीछे वो तीन हाइड्रोजन रहते हैं, तो अगर अगर इधर से व्यू किया जो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा अगर देखा तो तीन ही हाइड्रोजन दिखते हैं क्या फिर? हाँ सेम दिखते, सेम तीन ही कार्बन हाइड्रोजन दिखते है इस कार्बन के, ये हो गया 100 हर्ट्ज में। अब देखो एक मिनट, थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है मगर इतना भी नहीं कि आपके समझ में नहीं आएगा। अब देखो ये जो है अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके जो बताया ये है, अब देखो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ऑपोजिट है, एक 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 हाइड्रोजन को दूसरा हाइड्रोजन ऑपोजिट है, और इसको इसको क्या है ये जो मैंने अभी बताया, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन इधर से अगर देखा तो ये दिखते ऊपर और ये दो हाइड्रोजन नीचे, ये दो हाइड्रोजन नीचे, और दूसरा कन्फर्मेशन ऐसा है, दूसरा ऐसा है। अब देखो इसमें प्रॉब्लम थोड़ा है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम, अब देखो ये हो गया कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन स्टैगर्ड में कैसा है, अब देखो सॉरी हाँ स्टैगर्ड में, ये हाइड्रोजन नीचे और ये हाइड्रोजन ऊपर, फिर ये दो हाइड्रोजन समझ लो, ये कार्बन, ये एक कार्बन, ये एक हाइड्रोजन ऊपर एग्जैक्ट, और इसको 180 से रोटेट करने का एग्जैक्ट ये आ गया नीचे, अब ये यहाँ जो हाइड्रोजन है उसके दो हाइड्रोजन कहाँ हो गए सेम डिस्टेंस पर, इधर इधर एक और इधर एक, और ये एक, ऐसे तीन हो गए, मगर यहाँ का जो हाइड्रोजन वो आएगा नीचे, तो नीचे आया तो इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन, ऐसे ये दो हो गए। आपको जितना ये समझ में आया उतना आप रहने दो, मैं बाद में और एक बार एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो एक छोटा सा वीडियो बनाकर एक लिंक भेज दूंगा मैं सर को, वो आपको भेज देंगे। ओके तो ये थोड़ा इमेजिनरी कंसेप्ट है, अगर आप सामने होते तो जल्दी समझ में आता था। ये हो गया इसमें खाली, अब देखो यहाँ एक्सप्लेन करके बताता, पहले ये दो कार्बन ओके, हाइड्रोजन ए हाइड्रोजन ए, ये दो हाइड्रोजन ऑपोजिट निकालने के, कैसे ऑपोजिट निकालने के, ये ऊपर और ये नीचे, यहाँ नोटबुक पे समझ में आता ठीक है। ये देखो हाइड्रोजन ए ये जो है क्या करने का, ऑपोजिट निकालने की, ये ऊपर ये नीचे, अब हाइड्रोजन ए अगर ऐसा ड्रॉ किया तो बी और सी हाइड्रोजन ऐसे ड्रॉ करने के सेम डिस्टेंस पे, और यहाँ हाइड्रोजन ए ऐसा ड्रॉ किया तो बी और सी हाइड्रोजन ऐसे ड्रॉ करने के। ओके यहाँ इसको मैं नोट करता, बी एंड सी, यहाँ भी बी एंड सी, डिफरेंस क्या है, हाइड्रोजन ए इस कार्बन को ऊपर है तो इसको नीचे है, ये हो गया स्टैगर्ड में, और सेम ऑपोजिट है उसके इक्लिप्स में। अब देखो हाइड्रोजन ए हाइड्रोजन ए, इसमें क्या फर्क है, हाइड्रोजन ये ऊपर है
और हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन ये ऊपर है, ये दोनों भी ऊपर है ओके, और बी बी इधर, सॉरी ये बी और ये सी, यहाँ ये बी और ये सी, हाइड्रोजन ए और हाइड्रोजन ये दोनों हाइड्रोजन पैरेलल है, समझ में आया, इतना ही फर्क है। दोनों भी देखो, आप दोनों भी स्ट्रक्चर देखो, ये देखो इसका स्ट्रक्चर आएगा ऐसा, ए कार्बन कार्बन हाइड्रोजन ए, और यहाँ हाइड्रोजन ए कार्बन कार्बन हाइड्रोजन ए। अगर इधर से हमने देखा तो ये कार्बन के एग्जैक्ट ऑपोजिट ये कार्बन दिखता है, मगर यहाँ अगर इधर से देखा, दिस इज द व्यूअर, इस कार्बन के एग्जैक्ट पीछे ये कार्बन दिखता है। अब जितना समझ में आया उतना ही रहने दो, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने का। हेलो सर, हो गया? सर बोला, बोलो सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, बोलो। सर सिर्फ दो ही कार्बन होते हैं या और भी तीन चार? तीन चार कार्बन होते हैं, मगर मैंने ये छोटे कार्बन, छोटा एग्जांपल लिया है, जो बुक में दिया है वही एग्जांपल लिया है मैंने, इसमें ज्यादा अंडरस्टैंड होता, ज्यादा कार्बन रह सकते, मगर सबका व्यू ऐसा ही रहता है। अगर यहाँ सी एस थ्री रहा तो सी एस थ्री आएगा। सर मीन्स, सर मीन्स पहले इसमें पीछे वाले दिखते नहीं है और दूसरे इसमें सारे हाइड्रोजन दिखते हैं, यही ना? यस 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 एग्जैक्टली, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला है, means in first we cannot visible all hydrogens, they are parallel to each other, and second we can visible each and every hydrogen. Yes, yes. अब ये कैसे दिखते, ये न्यूमन में आप समझ में आएगा क्या, न्यूमन प्रोजेक्शन में ये हाइड्रोजन दिखते कैसे ये समझ में आता। अब देखो न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जस्ट वन मिनट, और ये न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, आप देखो न्यूमन में भी स्टैगर्ड और इक्लिप्स दोनों है। थोड़ा इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग लगता है इस कंसेप्ट के लिए। आप देखो ये जो पॉइंट है, ये मैं न्यूमन में कैसे कैसे ड्रॉ करता, न्यूमन में जो दो हाइड्रोजन है वो ऐसे ड्रॉ करने के, सॉरी दो कार्बन, एक कार्बन और उसके पीछे एग्जैक्ट ये कार्बन। अब देखो ये एक कार्बन, उसके पीछे एग्जैक्ट ये कार्बन स्टैगर्ड, न्यूमन में जो स्टैगर्ड है उसको क्या है, हाइड्रोजन ए, हाइड्रोजन ए ऑपोजिट है, तो ये पहला हाइड्रोजन में ऐसा ड्रॉ करता ऊपर, ये हो गया हाइड्रोजन ए, और ये पिछले कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो एग्जैक्ट नीचे। देखो मैंने बॉन्ड कहाँ से स्टार्ट किया, ये जो डॉट है वो है सामने का कार्बन जो हम देख सकते हैं, और जो नहीं देख सकते कार्बन वो ये है, और ये जो हाइड्रोजन ए को दूसरे हाइड्रोजन दो है, ये बी और ये बी, तीन हाइड्रोजन ऐसे रहते हैं। और अब जो ये हो गया सामने का कार्बन, और पीछे का जो कार्बन है उसको एक हाइड्रोजन ऐसा है, तो दूसरे दो कैसे होंगे, इधर एक और इधर एक, तो इसमें हमको क्या, सब हाइड्रोजन दिखते, सब विजिबल है इसमें है? और दूसरा है इक्लिप्स्ड, उसको कैसा है, देखो ये पीछे का कार्बन और ये सामने का कार्बन, इसका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ए एक आज मैं ये करता, और इसको यहाँ हाइड्रोजन ए, इसको दो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बी और ये हाइड्रोजन। अब यहाँ हमने क्या किया, हाइड्रोजन ये और एग्जैक्ट पीछे हाइड्रोजन बी है, इसका बॉन्ड एंगल, सॉरी इसका बॉन्ड एंगल जीरो डिग्री है, एग्जैक्ट ये ए के एग्जैक्ट पीछे ये हाइड्रोजन ए है, मगर वैसा हम स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा राइट साइड को ड्रॉ किया, और यहाँ उन्होंने क्या बताया, जीरो डिग्री बॉन्ड एंगल क्या है, जीरो डिग्री, एग्जैक्ट अपोजिट है उसके, देख नहीं सकते हम, तो ये दो स्टैगर्ड फॉर्मूला, सॉरी स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स। अब ये इतना है देखो कंफर्मेशंस का, अब जिसके समझ में जितना आया उतना याद रखो, मैं एक बार और
एक्सप्लेन करूंगा बाद में, नहीं तो फिर छोटा वीडियो बनाकर इस पर आपको सेंड कर दूंगा, पहले तो इतना कंफर्मेशन में। ओके हेलो सर, इतना हाँ बोलो। क्लिप में दिखता नहीं है क्या? हाँ ये दिखता नहीं, एग्जैक्ट पिच रहता है उसके, मगर ये ऐसा ड्रॉ तो नहीं कर सकते ना नोटबुक पे, 2D में ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने थोड़ा साइड को दिया और वहां क्या बताया, बॉन्ड एंगल जीरो। बुक में बताओ कि मैं आपको ऐसा रहता है, एक मिनट बुक में बताओ सर। हाँ ये देखो स्टैगर्ड में ऐसा, ये न्यूमन प्रोजेक्शन है, स्टैगर्ड में ऐसा, या हाइड्रोजन उसके एग्जैक्ट पीछे ये, और इक्लिप्स में ऐसा ऐसा दिखता है। स्क्रीन में दिख गई। हाँ करता है, एक मिनट स्क्रीन फ्रीज हो गई, जस्ट वन मिनट। ओके ये स्क्रीन शॉट ले लो, बाद में इम्पोर्टेंट पार्ट चालू करने का है। हो गया इतनी इन्फॉर्मेशन, आप क्या करो रीड करो इसको, ज्यादा से ज्यादा समझ में आना चाहिए। जितना आएगा उतना मैं एक बार और बता दूंगा, प्रिपरेशन में थोड़ा सॉफ्ट। सर 100 हर्ट्ज सर न्यूमैन में फर्क क्या हुआ फिर, दोनों तो सेम दिख रहे हैं। नहीं 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 ना देखो ना फर्क है ना, मींस पहले स्टैगर्ड में दिखते नहीं दिखते और दूसरे स्टैगर्ड में दिखते हैं, यही फर्क है सर। हाँ हाइड्रोजन कार्बन यस यस ठीक है, और पहले क्लिक्स में नहीं दिखते दूसरे क्लिक्स में दिखते हैं okay. अच्छा यही फर्क है क्या इनमें, नो शोमैन और इसमें शो हॉर्स और नोमैन में? यस स्ट्रक्चर का फर्क है सर, बाकी कुछ फर्क नहीं कुछ नहीं। अब ये कैसा रहता है, इस पे एक लेक्चर में और एक एग्जांपल में ये नहीं होता, ये बहुत बड़ा एमएससी का पार्ट है, ये जो पार्ट है ना कंफर्मेशन का वो एमएससी का पार्ट है जो हमने एमएससी में पढ़ा, और आपको 11th स्टैंडर्ड में आ गया, इसलिए एक एग्जांपल है इसलिए मैंने बता दिया, और ये अच्छी तरह से मैं बता दूंगा। ओके अब देखो नेक्स्ट ठीक है नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्केन्स। अब ये जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रिपरेशन मेथड। अब तक क्या देखा हमने, अल्केन के डेफिनेशन, अल्केन का जनरल फॉर्मूला, अल्केन के नॉमनक्लेचर, अब अल्केन्स तैयार कैसे करने के, फॉर्म कैसे करने के, प्रिपेयर कैसे करने के, ये हमको इसमें देखना है। ओके अब देखो प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्केन्स, फर्स्ट मेथड अल्केन या फॉर्म करने के हमको, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहली प्रिपरेशन मेथड क्या है, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स व्हाट, सिंगल बॉन्डेड यस, सिंगल बॉन्डेड एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड राइट। हाँ तो अब क्या करने का, अल्केन्स फॉर्म करने के, अल्केन्स प्रिपेयर करने के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, अल्किन और अल्काइन्स से अल्केन फॉर्म करने का। आप कैसे करने के देखो, वेरी सिंपल एग्जांपल देखो, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अब ये इसमें क्या रहता है, ये जो रिएक्शन से पहले इसमें डिस्क्रिप्शन लिखने का और बाद में रिएक्शन लिखने की। तो अब देखो इथिन इसमें डबल बॉन्ड आता, इथिन
reacts with hydrogen. Ethene reacts with hydrogen in presence of, ये केमिस्ट्री का प्योर पार्ट चालू हो गया देखो.